ये तुम्हें पसंद है, अच्छा हाँ क्यों नहीं। लग रहा है ना। आज हमको साइंस का पेपर मिला था कल उसमें, हाँ कल हमको साइंस का पेपर मिला था उसमें हमको 19 मिला था 20 में से। और जो म्यूजिक की कॉपी है ना, मुझे 3 जगह गुड मिला था। 3 जगह गुड मिला था। हाँ ये अब तुम फेल हो, और तुमको मिलेगा -5। और किस चीज का मिला था पेपर? और किसी का नहीं मिला, और किसी का नहीं मिला था। अरे ना। और वो एक जिंकोविट दे देना इसको, ठीक है? गरम पानी इसको दे दो। पी क्या जा रही आज लंच में बना है निमोना। यहाँ पर लेबर आए हैं, सीमेंट वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के जो रूम है उसमें बहुत सीलन लग गया था, क्योंकि पानी बहुत चुभता था, इसलिए दादी यहाँ पर बनवा रही हैं ताकि सीलन ना लगे। चोटी की है, इधर देखें चोटी, देखें चोटी, देखो देख ही नहीं रही। हटिए आपका चाय बन रहा है, हटिए। ये बन गया, सब काम करा दिया। मंडे से इनका पेपर यूनिट 4 है ना लाडू। बुआ तुमको क्या दी है रिटर्न गिफ्ट में, दिखाओ क्या है ये। वहीं बैठो अपनी जगह पे, इतना हाँ दूर से दिखाओ, खोलो। बहुत मजबूत है ये तुम्हें पसंद है? हाँ क्यों नहीं, अच्छा लग रहा है ना। ये 250 का है, ये 250 का, लेकिन इसमें तो 320 लिखा है। नहीं 250 का था, 320 लिखा है, वो लोग देते थोड़ी नहीं है, 250 का है ये। खुश हो छोटी वाली? पूरा रजाई दिन भर फैला रहता है, क्या करें, हम भी कितना करें फैला रहे। डिनर में बनाने जा रहे हैं मेथी मटर मलाई, तो मैं बहुत सिंपल सा बनाती हूँ लेकिन बहुत टेस्टी। जैसे मैं बॉयल नहीं करती, बॉयल करके काट लूँ नहीं, मेथी को काट के मैंने पानी में भिंगा दिया था आधा घंटा पहले कि इसकी कड़वाहट इसमें निकल जाए। और इसमें प्याज, एक मिनट दिख, पहले प्याज, लहसुन, अदरक, काजू, थोड़ा
थोड़ी सी आधी चम्मच ऑयल में पहले हल्का सा सौते करके फिर उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद फिर इसमें कढ़ाई में आधा चम्मच ऑयल में मैंने डाल दिया जूस को। फिर उसमें सारे मसाले, नमक और धनिया पाउडर और वो गरम मसाला और मटर डाल के अब इसी के साथ मटर भी पकेगा, साथ साथ मटर भी पक जाएगा। सब मैंने इकट्ठा डाल दिया है, ढक के पकाऊंगी। बहुत जैसे शेफ लोग बहुत ताम झाम करते हैं, ऐसा मैंने नहीं किया है, लेकिन तब भी बहुत अच्छी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। सब्जी बन के तैयार। अब अरे एक एक भूख लगे बाप, एक पाए भाग ना। चुप रहिए। उपाय करने पड़वा। बाद में थम इस बच्चे। कान के पीछे करो, कान के पीछे करो, दोनों हाथ से करो, कान के पीछे, उधर की करो। उधर से जाइए। सोने चलते हैं। गुड नाइट।
ये बन गया। अब देखते हैं कि पानी नीचे चूता है कि नहीं। अरे यहाँ लड्डू लड्डू है, करो राधे राधे, राधे राधे करो, है राधे राधे। नीचे सर करके शर्मीली पोती है मेरी, आलू छील रही है। इसको ना दो दिन से रट रही है दम आलू दम आलू, इसीलिए आलू छिलवा रहे हैं कि छिलो तब दम आलू बनेगा। छोटा छोटा आलू है। मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। सुने तो आप दो, आप भी बताइएगा। हम ना बताओ, खास समय में बोलना चाहिए। नहीं बा बताइए। तो देखिए, डी के दो बच्चे होते हैं, बी के ई और एफ, ठीक है। ई उसका बेटा है लेकिन एफ उसका बेटा नहीं है। तो दोनों कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से? दूसरी माँ को दूसरी माँ के। चुप है। आप भी बताइए। बता दे दूसरी माँ। बताते हैं आपको। डी वो क्या कहती हैं, एफ नहीं है उसका बेटा। डी के दो बेटे हैं लेकिन एफ बेटा नहीं है। तो दोनों कैसे रिलेटेड है? तो मैं बताऊं, एफ उसकी बेटी है। अच्छा। बोल रही ये कोई किस्सा है जब नहीं आ रहा है तो नहीं। ये तुम कहाँ से सीखी? जीके बुक में लिखा था। जीके बुक में, इनके जीके बुक में ये सब लिखा था। आज सूजी की पकौड़ी बन रही है नाश्ते में, मेरी लाडो की फरमाइश। आज संडे है तो इनकी फरमाइश है कि दादी सूजी की पकौड़ी नाश्ते में और तहरी दोपहर में और फिर रात में इनको दम आलू। दम आलू बहुत बहुत नहीं पसंद होगा लेकिन दम आलू में सेव डाल के नमकीन डाल के इनको बहुत पसंद है, इसीलिए इनको चाहिए। दे दें आपको चटनी, ले लो चटनी लो। नहीं नहीं लो, अब भूख लग जाएगा बेटा, तुम कितना ली हो तो। चटनी दे हमारे चटनी में ना, तो सब्जी बताइए। इनके लिए कोड़ा बना दीजिएगा, इनको बहुत पसंद है ना। क्यों कोबड़ा अगर आएगा तो ले लेंगे। देखिए लेट के पढ़ाई हो रहा है। देखो भैया इनका सुबह से पढ़ाई हो रहा है, ऐसे ही खाली कॉपी इधर उधर कर रही है बस। एक चैप्टर हमको याद भी हो गया है बस। दादी हमको पकौड़ी चाहिए। चुप रही, ये सब बताना जरूरी नहीं है। और तहरी चाहिए। चुप रही। दमाल इनको बस नहाना नहीं है, बस रजाई में घुस के यही सब बतियाना है। ऐसे मौसम में रजाई में घुस के लेटने अच्छा, चलो जाओ नहाओ फिर पढ़ाई करना। ये छोटी छोटी भूख के लिए ना चेरी। तहरी बोली है नहीं, इसके पापा खाएंगे, दादू को तो इनके हम खिला देंगे।
उसका मन पसंद है तहरी और सोयाबीन डाल के। पापा को समझ नहीं आ रहा तो वो क्या, वो उनका मन ही नहीं है खाने का। अंग्रेज की चुलबुली है कि क्या हुआ था कि एक नए टीचर आई थी क्योंकि अनन्या मैम एबसेंट थी तो अरेंजमेंट क्लास लगी हुई थी। मैम टहल रही थी और जैनब लोग खूब तेज तेज से हंस रहे। मैम बोली कि मतलब कि सबको चुप करा रही थी, बोली कि अब मैं किसी को भी बात करते देखूंगी तो क्लास से बाहर निकाल दूंगी। बोली कि आप लोग पढ़ाई करिए, आप लोग का कल से टेस्ट है। तो क्या हुआ कि मैम बोली कि जैनब से बोली कि आप लोग इतना जोर जोर से हंस रहे हैं, आप लोग को कुछ याद है? तो जैनब बोली यस। मैम बोली कि कोई वर्क का छूटा है? बोली नो मैम। तब फिर हम पंखुड़ी से बोले कि पूछ लेना। तभी पंखुड़ी, हम जानते नहीं, हमको लगा नहीं था कि वो मैम से बोल देगी। बोली कि मैम मैं बोल रही कि पूछ लीजिए। बोली हाँ सही कह रही है। क्यों पूछना नहीं तो बता ही नहीं पाई। तो मैम लिखित वाला पूछी, बड़ा वाला, तो बोली मैम वो वाला नहीं आ रहा है। तो बोली तब क्या आ रहा है? लेकिन हमको जैसे लगा नहीं था कि वो बोलेगी। नहीं बता पाई, झूठ बोली थी कि सब याद है। हाँ हाँ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ चेरी, हम लोग का खाना पीना हो चुका है, हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आए। तो ये चेरी हमसे कह रही थी कि दादी आप हमसे कुछ पूछिए, हम बता पाते हैं कि नहीं, है ना? मैंने कहा बोला अब क्यों? अच्छा हाँ, तो हम बोले कि अच्छा पूछते हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके शब्द में फल फूल और मिठाई तीनों चीज आती है? वो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके शब्द में फल फूल और मिठाई तीनों चीज़ आता है? पता नहीं। नहीं दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। गुलाब जामुन। गुलाब का फूल, जामुन जो हम लोग काला जामुन खाते हैं, और मिठाई गुलाब जामुन। ठीक, अब इसी के साथ मैं ये अपना वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग को अगर पसंद आएगा तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, बाय करो, बाय।